सैमसंग गैलेक्सी A12 जो कि लास्ट होगा फोन पूरे फेब के महीने में लॉन्च, जो लास्ट फोन होगा वो यही होगा, इसके बाद और कोई से फोन लॉन्च नहीं होंगे सैमसंग की तरफ से। तीन सीरीज इन्होंने लॉन्च करी है, ए की, एफ की, एम की, मतलब पता नहीं क्या कर दिया, इतने सारे लॉन्च क्यों करे। बकवास फोन भी थे बहुत सारे अच्छे थे, बहुत सारे तो नहीं, तीन चार अच्छे थे, बाकी सारे बकवास फोन थे। अगर आपको जानना है कि मतलब कौन कौन सी फोन इन्होंने लॉन्च करे इन मंथ ऑफ फेब तो देख सकते इस साइड आता है, आई बटन पे लिंक है, सारे आपको मिल जाएंगे कौन कौन से फोन इन्होंने लॉन्च करे हैं पूरी मंथ में, इस मंथ में कौन सा आपको बेस्ट लगा या कौन सा नहीं लगा, मतलब जरूर कमेंट करके बताना। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, A12 के बारे में मतलब पूरी स्पेसिफिकेशन दूंगा, क्या मतलब इसके प्राइस के हिसाब से क्या ये फोन ठीक है लेना, या मतलब प्राइस ज्यादा है या प्राइस कम है, स्पेसिफिकेशन कम है, क्या है इस फोन में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने आने वाले बेल आइकन को हमेशा प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे पहली बार, और आप ना कर पाओ कोई वीडियो मिस दूसरी बार। तो वीडियो शुरू करते हैं। A12 जो फोन होने वाला है वो आपको 15,000 रुपए के प्राइस में अवेलेबल होगा 26th of Feb को। तो इसकी स्पेसिफिकेशन होगी वो मतलब इसका जो प्रोसेसर है वो काफी बकवास, Helio MediaTek P35 इसका प्रोसेसर होगा, 3GB रैम के साथ, 32GB की इसमें स्टोरेज है, 128GB एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब 15,000 रुपए हम क्यों दें। पहले बात कर लेते हैं आगे स्पेसिफिकेशन की। कैमरा इसके क्वाड को कैमरा सेटअप होगा 48-5-2-2 डेप्थ एंड अल्ट्रा वाइड के लिए, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, बकवास बिल्कुल। एंड जो डिस्प्ले है वो 6.6 इंच की है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, 6000 एमएएच की बैटरी होगी सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ, 4G अवेलेबल है एंड डुअल नैनो सिम है। मतलब आप बात करते हैं मतलब स्पेसिफिकेशन सही है फोन के हिसाब से नहीं, मतलब मैं देखा जाए तो अगर आपको इस स्पेसिफिकेशन का फोन लेना है ना तो सैमसंग का मत लो, जाओ MI पे या रियलमी पे, आपको 7,000-8,000-9,000-10,000 के अंदर ही मिल जाएंगे, 5,000 बच जाएंगे आपको पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से इतना प्राइस रख दिया, ना इसमें प्रोसेसर अच्छा, ना रैम अच्छी, ना इन्होंने एक्सपेंडेबल मेमोरी, 32GB पे 15,000 छी, बहुत ज्यादा खराब फोन है, मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। अगर आपको ले रहे हैं सैमसंग के फोन तो जाओ A52 पे जाओ और F62 पे जाओ, 5,000 महंगा है लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस देंगे वो बिल्कुल 30,000 तक के फोन होती है, इससे भी ज्यादा के एक्सपीरियंस देंगे, सैमसंग के ही है A52 A62, आई बटन पे लिंक है, जाके देख लेना स्पेसिफिकेशन। बाकी बेस्ट फोन लगे मुझे ये तो बिल्कुल भी बकवास फोन लगा, पता नहीं क्यों लॉन्च करा इन्होंने, शायद मुझे लग रहा है ना कि मतलब ये 2020 का वो स्टॉक था जो कि अब निकाल रहे हैं, क्योंकि 2020 के हिसाब से देखा जाए तो उस वक्त ऐसे ही फोन बन रहे थे, क्या पता उस हिसाब से इन्होंने स्टॉक बनाया हो और 2020 में लॉन्च ना कर पाए हो ड्यू टू किसी भी रीजन से, मतलब और आप रिलीज कर रहे हैं तो मतलब इनको लॉन्च कर रहे हैं तो मतलब इनको प्राइस भी कम करना चाहिए था, 10,000 कर देते तो ले लेते फोन, इतने स्टॉक बिक जाते हैं इसके जितने अब नहीं बिकेंगे। तो लास्ट फोन होगा जो लॉन्च होगा फरवरी के मई में, बाकी यही था वीडियो में, मिलते हैं जब तक के लिए गुड बाय, मैं सजेस्ट करूंगा ये वीडियो फोन को ना लो, लेना है तो दूसरे लो यार, क्यों मतलब सैमसंग पे क्यों जाना, इतना अच्छी कंपनी है भी नहीं है। यही था वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय।